और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का काफी विकास हुआ है। यहां देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। सरकार छोटे किसानों को ताकत देने के लिए काम कर रही है। डेढ़ गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। कई योजनाओं से किसानों को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। पहले यहाँ घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज योगी जी की सरकार ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है। पहले गुंडों की मनमानी से यूपी चलता था। योगी राज में माफिया जेल पहुंच चुके हैं। अब अलीगढ़ हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा करेगा। राष्ट्र के नायक और नायिकाओं से देश की कई पीढ़ियों को वंचित रखा गया है। यूपी में शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था। सरकार छोटे किसानों को ताकत देने के लिए काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा। घर की सुरक्षा अलीगढ़ के भरोसे है, क्योंकि अलीगढ़ का ताला लगा होता है। यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना का टीकाकरण हुआ। ये सब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बातें कही। मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है, और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। ये बदलाव अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया। जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान।
उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। कोरोना के इस संकट काल में गरीब की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे और उन्होंने अपने संबोधन में काफी बातें कही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से हमारे संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जुड़ गए हैं। अरुण, जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने काफी कुछ बातें कही, डबल इंजन की सरकार के बारे में बात कही, पुरानी सरकारों पर तंज कसे, काफी कुछ निशाने हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी हैं और उनकी जो भाषण था, उनका उद्बोधन था, उसमें काफी कुछ बातें का मतलब कई निकाले जा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। निकट भविष्य में आगामी समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और जो विगत 4.5 साल की उपलब्धियां रही हैं उसके विषय पर एक तरीके से देखा जाए तो पूरा एक ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है इस सभा में अलीगढ़ की। सर्वप्रथम तो उन्होंने कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको याद किया है। उसके बाद हरदयाल जी का जिक्र करते हुए वर्मा जी का भी जिक्र किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी सरकार की उपलब्धियां रही हैं उसके विषय में पूरा एक तरीके से देखा जाए तो वो भाषण जो है, उनका जो व्याख्यान था वो पूरा उससे केंद्रित था। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहली बात जो रखी वो सबसे MSME को लेकर के एक जिले में एक प्रोडक्ट करके जो एक योजना स्कीम योगी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ शहर है वो बहुत प्राचीनतम समय से ताले के लिए मशहूर रहा है। तो इस तरीके के दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए एक जिला और एक प्रोडक्ट के लिए जो MSME की योजना के तहत है तो उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वरोजगार के उत्पन्न होने और साथ में लोगों को रोजगार के सृजन के साथ ही अलीगढ़ की पहचान देश दुनिया में करने हेतु जो प्रयास योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं MSME तरफ, उसका जिक्र उन्होंने किया। उसके पश्चात जो 9 परियोजना भारत सरकार की तरफ से प्राथमिकता के साथ अलीगढ़ में शुरू की गई है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के आयुग उत्तर प्रदेश अलीगढ़ शहर में बनाए जाएंगे, जिसमें छोटे बड़े हथियारों से लेकर के मकान तक के और एक तरीके से कहा जाए तो मिसाइल भी वहां पे बनाई जाएंगी। उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले अलीगढ़ सालों की माध्यम से सुरक्षा करता था, अब वो सीमाओं की सुरक्षा करेगा। इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया कि उत्तर प्रदेश में जब कभी पहले बात की जिक्र किया जाता था तो उसका इसकी एक पहचान गुंडों की शक्ल के रूप में हुआ करती थी और एक तरीके से अपराधी माफियाओं के सत्ता से संपर्क होने और उनके क्रियाकलापों से होती थी। आज उसकी पहचान बदल चुकी है योगी के राज्य में, भाजपा की सरकार में, और गुंडों का या तो पलायन हो चुका है या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए थी उनके विरुद्ध कार्रवाइयां की गई है और पूरी तरह से एक तरीके से जो है अपराध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा की जो सरकार है उसने नियंत्रण स्थापित किया है। इसके साथ ही उन्होंने जो जिक्र करते हुए जो प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी महोदय का जो अगला लेख था वो इस बात को लेकर के भी खास तौर से था कि विकास के पथ पर जो उत्तर प्रदेश है वो प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है और कोरोना काल में भी जो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया उसने और वैक्सीनेशन का जब दौर आया है तो उसमें भी वो हिंदुस्तान में 8 करोड़ वैक्सीन के साथ में प्रथम स्थान पर चल रहा है। और इसी के साथ इन्होंने जो डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र किया और इसके अलावा गरीबों की सुनवाई और सम्मान और सुरक्षा उसको लेकर के कि आम जनता की जो सुनवाई है वो काफी चर्चात हो रही है और सड़कों के जाल के विषय में भी जिक्र करते हुए जितने कॉरिडोर थे और जितने एक्सप्रेस वे हैं उनका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की काफी तारीफ की है योगी सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और उसके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है। निश्चित तौर पर इसको एक तरीके से संबल के रूप में देखा जाएगा भाजपा और मुख्यमंत्री योगी की तरफ से और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष निश्चित तौर पर इसका आकलन करेगा कि आगामी दूरगामी क्या असर पड़ेगा और उसके अनुसार अपनी रणनीति तय करेगा। धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए। संपादकीय सलाहकार उत्तर प्रदेश अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उस पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे।